नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। लास्ट क्लास में अपनी राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई थी। मैंने कई स्टूडेंट के कमेंट देखे थे, कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ऊर्जा संसाधन और खनिज वाला टॉपिक भी करवाया जाए। तो वैसे तो ये जो टॉपिक है ऊर्जा संसाधन और खनिज, ये RPC सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन किसी दिन संडे को ये क्लास रख लेंगे। किसी भी दिन संडे के दिन आपको ऊर्जा संसाधन और खनिज की क्लास मिल जाएगी। तो आज की क्लास में हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में। राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में हम देखेंगे। इस सब्जेक्ट का राजस्थान के सभी एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रहता है। वैसे भी हम राजस्थान में रहते हैं तो हमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। इसमें हमें सीखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर किस प्रकार की संस्कृति है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे उनकी वेशभूषा है, इन सब चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो अगर हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में बात करें तो इसको दो भागों में देखा जाता है, एक तो स्थापत्य कला और दूसरा देखा जाता है लोक संस्कृति। स्थापत्य कला यानी कि जिनकी स्थापना हुई है, जिनका निर्माण हुआ है, जैसे कि इसमें मंदिरों के बारे में, महलों के बारे में, दुर्ग के बारे में, किलों के बारे में, जो भी छत्रियां हैं, बावड़ी है, हवेलियां हैं, तो इन सब चीजों के बारे में, यानी जिनकी भी स्थापना हुई है, जिनका भी निर्माण करवाया गया है, स्थापत्य कला के अंदर उन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं। अगर राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक की बात की जाए तो एक कवि हुए हैं श्यामल दास जी, उनकी एक पुस्तक है वीर विनोद, इसके अनुसार राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उनके जनक कहा गया है महाराणा कुंभा को। तो राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक कौन है? महाराणा कुंभा जो है ये राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक हैं। किसके अनुसार? श्यामल दास जी की पुस्तक है वीर विनोद, ये पुस्तक का नाम है वीर विनोद। किसने लिखी है? श्यामल दास जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। इस पुस्तक के अनुसार राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक माना जाता है महाराणा कुंभा को। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जैसे 82 दुर्गों में से 32 दुर्ग जो हैं ये अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए हैं, इसलिए इनको राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम देखते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति को लोक संस्कृति के रूप में। इसके अंदर हम देखते हैं कि राजस्थान के लोगों की कैसी वेशभूषा है, कैसे क्या उनके रीति रिवाज हैं, कौन कौन से यहाँ पे लोकगीत गाए जाते हैं, कौन कौन से लोक नृत्य हैं, किस प्रकार के लोक वाद्य यंत्र हैं, कौन कौन से अपने राजस्थान में कौन कौन लोक देवता हुए हैं, कौन कौन सी लोक देवियाँ हुई हैं, लोक संत कौन कौन हुए हैं, हस्तकला कैसी है राजस्थान की, और राजस्थान में चित्रकला की क्या स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं लोक संस्कृति के अंदर। तो राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है उसको दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है, स्थापत्य कला और लोक संस्कृति। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लोक संस्कृति वाला भाग। इसमें हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे राजस्थान के हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न है वो जरूर बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता के बारे में। तो राजस्थान के अंदर कई लोक देवता हुए हैं, उनमें से 5 जो लोक देवता हैं उनको पंचपीर में शामिल किया गया है। तो उनको पंचपीर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से वो 5 लोक देवता हैं जिनको कि पंचपीरों में शामिल किया गया है? उनमें हैं रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, मेहा जी मांगलिया तथा हड़बू जी। इन 5 लोक देवताओं को पंचपीरों में शामिल किया गया है, इनको पंचपीर के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, कई बार इस पे प्रश्न बना हुआ है, निम्न में से कौन से लोक देवता को पंचपीर के नाम से जाना जाता है, या फिर ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से लोक देवता को पंचपीर में शामिल किया गया या पंचपीर के नाम से जाना जाता है। तो कैसे याद रख सकते हो? राम, इसको आप याद रख सकते हो, राम गोपा में है, राम गोपा में है। तो इसको कैसे याद रखोगे? राम से हो जाएगा रामदेव जी, तो रामदेव जी तंवर पंचपीर के नाम से जाना जाता है। गोपा, गोपा के अंदर गो से बन जाएंगे गोगा जी, पा से बन जाएंगे बाबूजी महाराज, और मे से बन जाएंगे मेहा जी मांगलिया, और है से बन जाएंगे हड़बूजी महाराज। तो ये 5 लोक देवता हैं जिनको कि पंचपीर के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है राम गोपा में हैं, तो राम से रामदेव जी, गोपा में गो से बन जाएंगे गोगा जी, पा से बाबूजी, मे से मेहा जी मांगलिया, और है से हड़बू जी।
तो इन पांचों लोक देवताओं को पंचपीर के नाम से जाना जाता है। कई बार इनमें कंफ्यूजन होता है तेजाजी, कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि इसमें तेजाजी भी है, तो तेजाजी को पंचपीर के नाम से नहीं जाना जाता, इसमें केवल रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी, इन पांच लोक देवताओं को ही पंचपीर के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम पांचों जो पंचपीर लोक देवता हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी के बारे में देखते हैं, रामदेव जी तंवर। तो तंवर कौन होते हैं? तंवर होते हैं राजपूत। तो कई बार इनकी जाति भी पूछ ली जाती है, कौन सी जाति के थे? तो रामदेव जी जो हैं वो राजपूत जाति के थे। रामदेव जी को और भी कई नामों से जाना जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रामदेव जी के कई उपनाम हैं, जैसे पीरों के भी पीर बोला जाता है। पंचपीर के नाम से तो इनको जाना ही जाता है, और पीरों के भी पीर बोला जाता है रामदेव जी को। रामसा पीर बोला जाता है, कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है, या फिर विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इनको लीलारा असवार भी बोला जाता है, तथा रुणेचारा धनी बोला जाता है। रुणेचा के अंदर रामदेव जी ने समाधि ली थी। रुणेचारा धनी, धनी का मतलब मालिक, पूरे रुणेचा के धनी हो गए रामदेव जी। तो रुणेचारे धनी हो गए रामदेव जी। जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था बाड़मेर के अंदर, शिव तहसील में एक गांव पड़ता है उंडू काश्मीर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है अजमाल जी, जो कि पोकरण यानी कि जैसलमेर के अंदर पड़ता है, पोकरण के सामंत थे। वैसे आजकल इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते कि जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पहले पूछे जाते थे। अब आरपीएससी का लेवल बढ़ गया है, हर एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न अभी नहीं बनते, ये केवल बेसिक जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। तो रामदेव जी के पिता का नाम है अजमाल जी, जो कि पोकरण के सामंत थे, पोकरण जैसलमेर के अंदर पड़ता है। इनकी माता का नाम है मीणा दे, और इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम है? रामदेव जी के गुरु का नाम है बालीनाथ। तो बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे। इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, और डालीबाई जो है ये मेघवाल जाति की थी। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको रीखिया बोला जाता है। रामदेव जी के घोड़े को बोला जाता है लीलो। रामदेव जी का जो जागरण होता है, जो रात्रि जागरण होता है, जो कि रात में किया जाता है, उसको बोला जाता है जम्मो जागरण। रामदेव जी का जो झंडा है, जिसको कि पंचरंगी ध्वजा भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसको बोला जाता है नेजा, या फिर पताका बोला जाता है। रामदेव जी की यात्रा पे जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनको बोला जाता है जात्रु। सामान्यतः रामदेव जी के जो पुजारी हैं ये खेजड़ी की पूजा करते हैं, और मंदिरों के अंदर रामदेव जी के जो पगले हैं इनकी पूजा की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, मंदिरों के अंदर रामदेव जी के जो पगले हैं उनकी पूजा की जाती है। रामदेव जी ने समाधि कहाँ पे ली थी और कब ली थी? तो समाधि ली थी इन्होंने जैसलमेर के रुणिचा के अंदर, इनको रुणिचा का धनी बोला जाता है। और कब ली थी? ये ली थी भाद्रपद के शुक्ल एकादशी को। रामदेव जी का मेला कहाँ भरता है और कब भरता है? ये भरता है भाद्रपद की शुक्ल द्वितीय से लेके भाद्रपद के शुक्ल एकादशी, जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी उस तिथि तक। तो भाद्रपद की शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है, कब से लेके? भाद्रपद के शुक्ल की द्वितीय से लेके, यानी दूध से लेके जो ग्यारस बोलते हैं हमारी भाषा में, तब तक मेला भरता है। रामदेव जी के इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी की एक पुस्तक भी है 24 वाणियां नाम से। रामदेव जी जो हैं वो बचपन से ही काफ़ी प्रभावशाली थे, एक अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। तो बचपन में ही उन्होंने एक राक्षस का वध कर दिया था, भैरव नाम का राक्षस था, उसका वध करा था रामदेव जी ने बचपन में। रामदेव जी ने एक ग्रंथ की भी रचना करी थी, 24 वाणियां ग्रंथ की रचना करी थी रामदेव जी ने, जो कि मारवाड़ी भाषा के अंदर है, इसको बाबारी पर्ची भी बोला जाता है। ये जो ग्रंथ है जिसकी रामदेव जी ने रचना करी थी, 24 वाणियां ग्रंथ, कौन सी भाषा में है? ये है मारवाड़ी भाषा के अंदर, इसको बाबारी पर्ची बोला जाता है। कांवड़िया पंथ की जो स्थापना है ये भी रामदेव जी ने करी थी। तो कांवड़िया पंथ प्रारंभ करा था रामदेव जी ने। तो कांवड़िया संप्रदाय की महिलाएं हैं, इनके द्वारा 13 ताली जो नृत्य है ये किया जाता है, घुटनों पे बैठ के किया जाता है, ऐसे बीच बीच के अंदर मुंह के अंदर तलवार रखती हैं, तो इस प्रकार से एक नृत्य होता है 13 ताली नृत्य, जो कि कांवड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है।
कई बार सीधा सीधा प्रश्न बनता है, तेरे ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जो कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है तेरे ताली नृत्य। और कामड़िया पंथ की स्थापना किसने करी थी या प्रारंभ किसने करा था? तो ये करा था रामदेव जी ने। तो ये हमने रामदेव जी महाराज जो हमारे लोक देवता हुए हैं, काफी मान्यता है इनकी, उनके बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी उनके बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी महाराज को भी पंचपीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी कौन है? गोगा जी चौहान है। तो गोगा जी को और किन नामों से जाना जाता है? गोगा जी हैं वो सांपों के बड़े देवता माने जाते हैं, तो सर्प रक्षक के रूप में जाना जाता है या इनको सांप देवता के रूप में जाना जाता है। गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है तथा जहार पीर के नाम से जाना जाता है। जन्म कहाँ पे हुआ था गोगा जी का? तो गोगा जी का जन्म हुआ था चूरू के ददरेवा के अंदर। इनके पिता का नाम है जेवर सिंह, माता का नाम है बाछल दे, पत्नी का नाम है कैलम दे, इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। तो गोरखनाथ जी हैं ये गोगा जी के गुरु हुए थे। इनका घोड़ा था नीला। गोगा जी का जो झोंपड़ा है जिसे कि टापरा भी बोला जाता है या फिर ओलड़ी भी बोला जाता है, तो ओलड़ी आपको ध्यान रखना है, ओलड़ी के नाम से पूछा जा सकता है कि गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पे है। तो ये है जालोर के अंदर खिलेरियों की ढाणी। ये खिलेरिया है, कहाँ पे है? जालोर के अंदर जगह पड़ती है खिलेरियों की ढाणी। तो यहाँ पे है खिलेरियों की ढाणी, यहाँ पे है गोगा जी की जो झोंपड़ी है या फिर जिसको टापरा बोला जाता है या फिर इसको ओलड़ी बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गोगा जी के जो मंदिर होते हैं वो ज़्यादातर खेजड़ी के नीचे, जिसको हम जांटी बोलते हैं, तो जांटी के वृक्ष के नीचे गोगा जी के जो मंदिर है ये होते हैं। गोगा जी के मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो है ददरेवा के अंदर सिरस मैड़ी, इनके मंदिर को मैड़ी बोला जाता है। तो सिरस मैड़ी यानी कि यहाँ पे गोगा जी का जो सिरस है, ऊपर वाला जो शरीर है ये जाके गिरा था, तो इसलिए इसको सिरस मैड़ी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है? ददरेवा के अंदर। और जो गोगा मेड़ी या फिर धुर मेड़ी, जहाँ पे गोगा जी का धड़ जाके गिरा था, ये कहाँ पे है? ये हनुमानगढ़ के नौर के अंदर है, तो इसको धुर मेड़ी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे सिर जाके गिरा था उसको सिरस मेड़ी के नाम से, और जहाँ पे गोगा जी का धड़ जाके गिरा था, गोगा जी का जो सिर है वो दूसरी जगह जाके गिरा था और जो धड़ है वो अलग जगह जाके गिरा था। तो सिर जाके गिरा था ददरेवा के अंदर, तो यहाँ पे बन गई सिरस मैड़ी, और जो धड़ है ये जाके गिरा था हनुमानगढ़ के नौर के अंदर, तो यहाँ पे है गोगा मेड़ी या फिर धुर मेड़ी। तो ये जो गोगा मेड़ी या फिर धुर मेड़ी है ये मकबरा शैली के अंदर बनी हुई है, तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। ये जो लोक देवता हुए हैं इनको हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग काफी मानते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म के जो लोग हैं वही मानते हैं, तो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं ये भी लोक देवता को काफी मानते हैं। लगभग सभी धर्मों के लोग जो हैं ये लोक देवताओं को मानते हैं। तो गोगा जी का युद्ध भी हुआ था महमूद गजनबी के साथ। तो जब गोगा जी का युद्ध हुआ था महमूद गजनबी के साथ, तो उसके बाद महमूद गजनबी ने गोगा जी को एक उपाधि दी थी, जाहिर पीर की उपाधि दी थी। तो पूछा जा सकता है कि गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी महमूद गजनबी ने दी थी। महमूद गजनबी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद में दी थी महमूद गजनबी ने गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मुख्यतः गोगा जी जो हैं ये गायों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं तथा सांपों से रक्षा के लिए, यानी सर्प देवता के रूप में। तो गायों की रक्षा के लिए तो गोगा जी जो है अपने मौसेरे भाइयों से भी लड़ लिए थे। तो इनके मौसेरे भाई हुए थे अर्जन और सर्जन, तो इनसे गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए गोगा जी जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो ये हमने गोगा जी लोक देवता के बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी उनके बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं पाबू जी के बारे में। तो पाबू जी का वंश कौन सा है? पाबू जी राठौड़ वंश के हैं। इनको ऊँटों का देवता कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता को माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है पाबू जी को। प्लेग रक्षक देवता, प्लेग एक बीमारी होती थी जो कि पहले के जमाने में होती थी, अब नहीं होती। तो प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। और पाबू जी को किन नामों से जाना जाता है? आड़फाड़ का देवता, भाला रा देवता और अप्सरा रा असवार। तो मुख्यतः ऊँटों का देवता माना जाता है और लक्ष्मण का अवतार तथा प्लेग का रक्षक है ये पाबू जी को माना जाता है। जन्म कहाँ पे हुआ था पाबू जी का? तो जोधपुर में एक जगह पड़ती है कोलू मंड,
यहाँ पे बाबूजी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है धांदल और इनकी माता का नाम है कमला दे। इनकी पत्नी का नाम है फूलम दे या फिर सुप्यार दे। इनके सहयोगी कौन थे? तो दो भील भाई थे, चांदा और डामा। ये बाबूजी के सहयोगी थे। बाबूजी का मेला कब भरता है? बाबूजी का मेला जो है ये चैत्र अमावस्या को भरता है। तो चैत्र महीने की अमावस्या को बाबूजी का जो मेला है ये भरता है। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी जो है ये बाबूजी की घोड़ी का नाम है। ये जो घोड़ी है ये देवल नाम की एक चारण महिला थी, उसकी घोड़ी थी ये। और इसी महिला की गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाबूजी जो हैं ये भी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? देचू गांव के अंदर हुई थी, सिंध राव खींची के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए। ऐसा माना जाता है कि बाबूजी की शादी हो रही थी और 3 फेरे हो चुके थे, तभी ये जो देवल चारण महिला है ये बाबूजी के पास आई और इसने कहा कि जो जिंदराव खींची है वो मेरी गायों को लेके जा रहा है। तो इनकी गायों की रक्षा करने के लिए बाबूजी जो हैं वो अपनी शादी बीच में छोड़ के चले गए थे। बाबूजी ने केवल 3 फेरे लिए थे और उसके बाद बीच में ही शादी को छोड़ के चले गए थे, देवल चारण महिला की गायों की रक्षा करने के लिए। किससे? जो जिंदराव खींची है ये इनकी गायों को लेके जा रहा था। तो इसकी गायों की रक्षा के लिए बाबूजी जो हैं अपने विवाह को बीच में छोड़ के चले गए थे और यहाँ पे देचू गांव के अंदर वीरगति को प्राप्त हो गए थे गायों की रक्षा करते हुए। तो रायका समाज के लोग हैं या रेबारी या फिर देवासी समाज के जो लोग हैं ये बाबूजी को मुख्य देवता के रूप में मानते हैं। तो कौन से समाज के लोग? रायका, रेबारी और जो देवासी समाज के लोग हैं ये बाबूजी को मुख्य देवता के रूप में मानते हैं। बाबूजी की फड़ गाई जाती है। तो जो बाबूजी की फड़ है ये रावण हत्था एक वाद्य यंत्र होता है, इसके साथ में गाई जाती है। और कौन गाता है? तो भील जाति के जो भोपे होते हैं, भील जाति के भोपों के द्वारा बाबूजी की जो फड़ है वो गाई जाती है, या फिर ऐसे बोलते हैं फड़ बांची जाती है। तो कई बार प्रश्न बनता है कि बाबूजी की फड़ किसके द्वारा गाई जाती है? तो ये गाई जाती है भील जाति के भोपों के द्वारा। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? तो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में बाबूजी की जो फड़ है वो गाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। और बाबूजी के जो पवाड़े हैं ये गाए जाते हैं माट वाद्य यंत्र के साथ में। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। बाबूजी की फड़ तो गाई जाती है रावण हत्था के साथ में और बाबूजी के जो पवाड़े हैं ये गाए जाते हैं माट वाद्य यंत्र के साथ में। बाबूजी के कुछ प्रमुख ग्रंथ भी हैं। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं बाबूजी के? एक है पाबू प्रकाश जिसे कि आसिया मोड़जी ने लिखा है। एक है पाबूजी सोरड़ा, ये लिखा है रामनाथ कव्या ने। एक है पाबू धनीरी बात, ये लिखा है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। पाबू जीरा दूहा, ये लिखा है लगराज ने। और पाबू जीरा छंद, ये लिखा है बिट्ठू मेहा ने। तो ये कुछ प्रमुख बाबूजी के ग्रंथ हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हमने बाबूजी के बारे में, जो बाबूजी लोक देवता हुए हैं जिनको कि मुख्यतः गायों की रक्षा के लिए जाना जाता है तथा ऊँट रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है, उनके बारे में हमने जो भी मुख्य मुख्य बातें थी उन सब के बारे में देख लिया। अगले लोक देवता हैं मेहाजी मांगलिया, जिनको भी पंच पीर के नाम से जाना जाता है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जोधपुर के तोपू के अंदर मेहाजी मांगलिया जी का जन्म हुआ था। इनका घोड़ा है किरड़ काबरा, इनके घोड़े का नाम है किरड़ काबरा। मेहाजी का मंदिर कहाँ पे है? तो इनका मंदिर है जोधपुर के बापिणी के अंदर। जोधपुर में इनका जन्म हुआ था और जोधपुर में इनका मंदिर है। इनका मेला भरता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, मेहाजी का मेला भरता है। तो मेहाजी जो हैं ये भी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो मेहाजी जो हैं ये पाना गुजरी की गायों को, जैसलमेर के जो रणकदेव भाटी हैं इनसे बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये भी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। किसकी गायों की रक्षा करते? पाना गुजरी की गायों की रक्षा कर रहे थे। किससे कर रहे थे? जैसलमेर के रणकदेव भाटी से बचा के ला रहे थे, उस दौरान ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो मेहाजी के जो भोपे हैं उनके वंश में वृद्धि नहीं होती। ऐसा बोला जाता है कि मेहाजी के जो भोपे हैं उनका आगे वंश नहीं बढ़ता, उनके वंश में वृद्धि नहीं होती। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि कौन से लोक देवता के भोपों की वंश में वृद्धि नहीं होती। तो यह आपको ध्यान रखना है, मेहाजी के जो भोपे हैं उनके वंश में वृद्धि नहीं होती, ऐसी मान्यता है, ऐसा बोला जाता है। अगले लोक देवता हैं हड़बूजी सांखला, इनको भी पंचपीर के नाम से जाना जाता है।
इनको और किन नामों से जाना जाता है? सगुण शास्त्र का ज्ञाता बोला जाता है, वचन सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। हड़बू जी जो हैं ये एक ज्योतिषी थे, एक भविष्य वक्ता थे, भविष्य बताने वाले थे। तो जो हड़बू जी सांखला हैं ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? हड़बू जी का जन्म हुआ था नागौर के भुड़ेल के अंदर। रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। तो हड़बू जी ने जो जोधपुर के राव जोधा हुए हैं उनको मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। इन्होंने राव जोधा का भविष्य देख के बताया था कि आप मंडोर जीत जाएंगे। ये भविष्य वक्ता थे, तो इन्होंने मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और साथ में अपनी जो कटार है वो भी राव जोधा को दी थी। तो इनके आशीर्वाद के बाद में जो राव जोधा हैं ये मंडोर जीत गए थे। उसके बाद राव जोधा ने जोधपुर में एक गाँव पड़ता है बेंगटी गाँव, ये जो गाँव है ये हड़बू जी को भेंट में दिया था। यहाँ पे हड़बू जी जो हैं ये गायों की सेवा करते थे और यहीं पे हड़बू जी की जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। तो मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव जो है जोधपुर के अंदर ही पड़ता है बेंगटी गांव ये भेंट किया था। और यहाँ पे हड़बू जी जो हैं ये गायों की सेवा करते थे और यहीं पे हड़बू जी की जो बैलगाड़ी है इसकी पूजा की जाती है। तो जोधपुर के महाराजा हुए अजीत सिंह, इन्होंने हड़बू जी का मंदिर भी बनवाया था। तो ये हमने हड़बू जी के बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी उनके बारे में देख लिया। तो आज की क्लास में अपन ने राजस्थान के जो पांच लोक देवता जिनको कि पंच पीर के नाम से जाना जाता है उनके बारे में देखा है। कौन कौन से हैं कैसे याद रखा था हमने? राम गोपा में है, तो ये आपको ध्यान रखना है राम गोपा में है। तो कौन कौन से लोक देवता हैं जिनको पंच पीर के नाम से जाना जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी मांगलिया और हड़बू जी। तो ये राजस्थान के पांच प्रमुख लोक देवता हैं जिनको कि पंच पीर के नाम से जाना जाता है। तो और भी राजस्थान के कई लोक देवता हुए हैं उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको सर्च करने पे आपको सिया मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा या फिर सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको सिया मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और इसकी भी सारी PDF जो हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की जो PDF हैं ये भी आपको वहीं पे मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।